गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या सामग्री है। तो मैंने ये कि 1 कप ये हंग कर लिया है। इसको हमने 4 घंटे के लिए मलमल कपड़े में बांध के रख दिया था। और ये है पनीर क्यूब में कटी हुई, ये है कैप्सिकम, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 2 चम्मच बेसन है, इसे हमने थोड़ा 2 मिनट रोस्ट करके रख लिया है। ये मेरे स्पाइस है, कसूरी मेथी, गरम मसाला, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक। लेंगे मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार डालिएगा, 2 चम्मच डाल दिया है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और कसूरी मेथी, मसल के ऐसे डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम बेसन 2 चम्मच बेसन, ने रोस्ट करके रख लिया था 2 मिनट के लिए। डालेंगे प्याज, हमने काट के रख लिया था, कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें पनीर डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पनीर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे मस्टर्ड ऑयल में। पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, और पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, गरम हो जाने देंगे। जब ये बिल्कुल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हल्दी, हरी मिर्च। हरी मिर्च, अजवाइन और हल्दी, मैरिनेट किए हुए। अब इसको हम स्क्वायर्स में लगा लेते हैं। तो पहले हम लेंगे 1 प्याज, 1 कैप्सिकम, 1 स्क्वायर, अच्छे से डाल देंगे। फिर लेंगे 1 पनीर, फिर ग्रीन कैप्सिकम, फिर रेड कैप्सिकम। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसको डायरेक्ट पैन में भी पका सकते हैं। फिर हम लेंगे कैप्सिकम, प्याज, पनीर, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ऐसे हम सारे बना लेंगे। इसमें हमने पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा ऑयल डाल दिया,
अपनी टिक्की को इसमें रखेंगे। इसको लाल होने तक उलट पलट के पका देंगे। तैयार हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।